अरब दुनिया का पहला जौहरी पावर प्लांट मुरीख मिशन और सहयोनी रियासत के साथ सफारती ताल्लुकात की बहाली, ये हैं साल 2020 के वो चंद अहम तरीन इकदामात जिनसे मुतहिदा अरब अमारात ने खुद से दौलत और रकबे में बड़े पड़ोसी मुल्क सऊदी अरब को पीछे छोड़ दिया है। सऊदी अरब तवील अरसे से खित्ते में मुतहिदा अरब अमारात की हमायत के साथ एक इलाकाई सरबराह के तौर पर देखा जाता रहा है, ख़ास तौर पर तब से जब से अरब स्प्रिंग की शक्ल में जन्म लेने वाली इलाकाई तहरीकों के बाद इनके नाकदीन का मुकम्मल खात्मा हुआ है। इन तहरीकों से खलीजी रियासतों की बादशाहतों को सियासी इस्लामी तहरीक और ईरान के असर व रसूख के अरूज का खतरा था, और शायद यही वजह है कि सऊदी अरब और मुतहिदा अरब अमारात के तआवुन की हिकमत अमली वाजे रही है। सऊदी अरब ईरान के खिलाफ अपनी ताकत पर तवज्जो मरकूज करता है, जबकि मुतहिदा अरब अमारात के लिए सबसे अहम मसला इस्लाम के नफाज को शिद्दत से नाफिज करने वाले लोग हैं। इस बात का वाज़े फर्क यमनी हौसियों के खिलाफ जारी लड़ाई में दिखाई देता है, जहां सऊदी अरब और मुतहिदा अरब अमारात एक दूसरे के इत्तहादी होने के बावजूद इख्तलाफात रखते हैं। सऊदीया के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और अबू जहबी के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन जैद के दरमियान एक मजबूत ताल्लुक है। यूरोपीय कौंसिल में खारजा अमूर के माहरीन के मुताबिक दोनों वली अहद मुस्तकबिल के हुक्मरानों की हैसियत से एक दूसरे से अपनी हमायत की उम्मीद रखते हैं। मोहम्मद बिन सलमान अपने मुतहिदा अरब अमारात के हम मनसब को अपने सबसे अहम हलीफ के तौर पर देखते हैं, और वो मगरबी इत्तेहादियों के सामने उनके बादशाह बनने की हमायत भी करते हैं। इसराइल के साथ अमारात के मुआहदे के बाद मगरबी ममालिक में मोहम्मद बिन जैद की साख में बेहतरी आई है, लिहाजा मोहम्मद बिन सलमान को उनकी पहले से ज्यादा जरूरत है। मुतहिदा अरब अमारात को भी मोहम्मद बिन सलमान की शक्ल में एक उम्दा इत्तेहादी मिला हुआ है, क्योंकि साबिक सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन नाइफ अमेरिका के बहुत करीब थे। सन 2011 के बाद अमारात में भी ऐसी फिजा पैदा की गई जहां लोग तनकीद करने से हिचकिचाते हैं। बहुत से माहिरीन का यह भी कहना है कि अक्वामे मुतहिदा की सलामती कौंसिल में सन 2022 से 2023 के अरसे के लिए एक गैर मुस्तकिल नशिस्त के लिए मुतहिदा अरब अमारात हिस्सा लेगा, और इन इकदामात से यह हकीकत खुलकर सामने आ जाती है कि अमारात आलमी सतह पर अपने असर व रसूख को बढ़ाने की तैयारी में मसरूफ है, और सऊदीया आस्ता आस्ता दुनिया के लिए अमारात की निस्बत कम अहम होता चला जा रहा है।